शनिवार को नगर सोहागपुर के विवेकानंद स्कूल में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नगर के शासकीय अशासकीय एवं सेवानिवृत्त 355 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक विजयपाल सिंह उपस्थित रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं NVTV। इस वक्त मैं खड़ा हूं सोहागपुर में और नगर परिषद का एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ। आज शिक्षक दिवस सम्मान समारोह नगर परिषद की तरफ से ये सम्मान समारोह आयोजित होता है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए नगर परिषद उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी जी है। हम इनसे सारी की सारी जानकारी जानेंगे और कुछ प्रश्नों के जवाब भी हम चाहेंगे। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है NVTV में। कब से ये सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है? ये शिक्षकों का सम्मान हम बेगर 13-14 वर्षों से निरंतर करते आ रहे हैं जी। और निरंतर करते रहेंगे। गुरुओं का आशीर्वाद हम सबों को मिलता रहता है। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानी विजयपाल सिंह भैया के मार्गदर्शन नेतृत्व में ये हो रहा है और उन्हीं के मार्गदर्शन में ही ये कार्यक्रम शुरू से 13-14 वर्षों से निरंतर चलता आ रहा है। अच्छा, आज यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर उपस्थित हुए, कितने क्या शिक्षक यहाँ पर आए आज? हमने हमारे पूरे जो सोहागपुर ब्लॉक है उसमें हम हर साल शिक्षकों का सम्मान करते हैं, तो लगभग 300 शिक्षकों का सम्मान, उसमें हमने कुछ अशासकीय संगठन जो हमारी शालाएँ हैं स्कूल हैं उनके शिक्षकों को इस बार हमने लिया है और अतिथि शिक्षकों को भी लिया है। अच्छा जी, कहीं पर जैसे जो कि BJP शासित नगर है वहाँ पर अतिथि शिक्षकों का सम्मान नहीं हुआ, वो आवेदन वगैरह दे रहे हैं, यहाँ पर क्या वजह रही कि आपने यहाँ पर उनको शामिल किया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने अभी इस बार पहली बार नहीं कर रहा है। अच्छा। अगले बार प्रभारी मंत्री जी आए थे, जब भी हमने 15 अतिथि शिक्षकों का जो हमने BRC या BO हैं शिक्षा विभाग के उनसे सूची लेते हैं जो अच्छे टीचर हैं, चाहे वो संविदा के हों चाहे अतिथि हों, हम उनसे सूची लेते हैं, उसमें हम भेदभाव नहीं करते। शिक्षक शिक्षक होता है चाहे वो अतिथि हो या कोई हो। अच्छा, शिक्षक तो नगर में हजारों की तादाद में सेवा दे रहे होंगे, लेकिन 300 का जो चयन किया वो किस मापदंड से आपने किया? हम हर साल करते हैं ना। अच्छा, हम हर साल शिक्षकों का सम्मान करते हैं और जो रिटायर्ड जिस साल होते हैं उनको प्राथमिकता से हर साल बुलाते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से सबका सम्मान हो। हमारा सोच ये है कि कोई भी शिक्षक जो आदिवासी क्षेत्र हो या और भी देहात का जो दूर दराज के क्षेत्र हो, कोई शिक्षक रहे नहीं, क्योंकि शिक्षक तो शिक्षक होता है, कभी अगर कोई रह जाता है तो अगले वर्ष उसका हम प्राथमिकता सभी शिक्षकों का करना चाहते हैं। अच्छा। और ये सूची हम शिक्षा विभाग से लेते हैं हर साल। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आपने तमाम जो जानकारी दी, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छा कदम है नगर परिषद सोहागपुर के द्वारा कि यहाँ पर जो ज्ञान देते हैं, जो जीवन को एक नई दिशा देते हैं, नया जीवन प्रदान करते हैं बच्चों को शिक्षक, उनका यहाँ पर सम्मान होता है। हम ये प्रयास करना चाहेंगे कि जिस तरह से आज BJP शासित जो नगर सरकार है वो शिक्षकों का सम्मान कर रही है, वैसे ही जो राज्य सरकार है वो ना सिर्फ शिक्षकों का सम्मान करे बल्कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, बड़ी दिनों से वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके रोजगार की, उनके लिए रोजगार दे, जल्दी से जल्दी जो वैकेंसीज है वो निकाले ताकि जो हमारा शिक्षक वर्ग है उसका जो सही सम्मान है, उसको रोजगार है, वो उसे मिले। आप देख रहे हैं NVTV, संजय वैष्णव की ये खास रिपोर्ट सोहागपुर से। नमस्कार।